एंजॉय करेंगे अपनी अपनी लाइफ में और मौज लेंगे अपने अपने घरों में। तो आज है फूल दही छम्मा दही यानी कि संक्रांत। तो आप सभी को फूल दही छम्मा दही उत्तराखंड के लोक पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और छोटे बच्चों को खूब सारा प्यार। तो मेरा बच्चा तो गया है स्कूल क्योंकि उसके चल रहे एग्जाम, तो इसलिए मैं घूम रही हूँ फूल दही करने के लिए दोपहरी में, भरी दोपहरी में 10:15 बजे के टाइम पे। तो मेरी हंसी मत करना, कोई ऐसे करोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। अरे बहुत हो जाते हैं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये हमारे डब्बे हैं, कर दो। हाँ। तो ये बुआ है हमारी, मतलब मेरी सासू माँ की बुआ है। हाँ। तो मैं भी बुआ ही बोलती हूँ इसलिए। हाँ। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं फूल दही करके। हाँ। इतने घर के चावल ले लिए, देखो मैं कितनी लालची हूँ। चलो अब लाल लाल दिख रहा है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। देखो दोस्तों, भाभी हाय करो। भाभी कुकुर नवारी है। उसको भी त्योहार है, उसका भी त्योहार सुनहरा। देखो इन्हें क्या, अब हम भाभी के घर में प्रवेश करते हैं। फूल दही छम्मा दही जतू दिछाओ तो सही। सुंदर कितनी हो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, 16 दिन 22 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चू बच्चू तो कितना प्यारा ब्यूटीफुल है। घास चावल लेके, गुड़ लेके, ये लेके और ये चावल लेके। फूल दही छम्मा दही जब भी जाऊँ तो सही में तो दोस्तों मैं स्कूल से आ गया, मेरी मम्मी ने मेरी फूल दही की है। मैं खेल के आई हूँ तन्नू के बदले की फूल दही छम्मा दही। तो आप क्या करेंगे हमें चावल का, चावल से क्या करेंगे?
इसे भात पकाएंगे। भात नहीं पकाते इस चावल का, तो इस चावल से ना दोस्तों हम साई बनाएंगे शाम को चावल भिगा के, क्योंकि इस चावल का भात नहीं खाते, मतलब हमारे कुमाऊं में तो नहीं खाते, तो यहाँ का तो मुझे पता नहीं है। तो ये चावल से हम हलवा बना के खाएंगे, हर चावल से हम हलवा बना के खाएंगे, मतलब साई बना के खाएंगे, नहीं तो मेरी गाय खाएंगे। दोस्तों फूल दही तो हो चुकी है खत्म, मतलब फूल दही हो गई है कंप्लीट। तो किसी के साथ संक्रांत के साथ आज से लग गया चैत का महीना, फाल्गुन खत्म हो चुका है। चैत का महीना यानी कि शादीशुदा लड़कियों के लिए बिटोली का महीना। तो चैत के महीने में बिटोली भी दी जाती है हमारे पहाड़ों में। हमारे यहाँ का रिवाज है, रिचुअल है कि बिटोली दी जाती है, भाई अपनी बहन और दीदियों को बिटोली देते हैं। तो पहले क्या होता था कि घर पे आते थे जब नई नई शादी थी, तो मिठाई विठाई सब कुछ देते, कहीं कहीं पे तो पूरियां बना के भी ले जाते, आज के डेट में भी ले जाते हैं पूरी पूरे और पता नहीं क्या क्या बना के ले जाते हैं, पर हम लोग में मिठाइयाँ देते थे। तो अब तो डिजिटल हो गया है ज़माना, तो आजकल तो गूगल पे फोन पे ऑनलाइन सब यही बिटोली चलती है, बट कोई बात नहीं, रिचुअल चलते रहने चाहिए, वो टूटने नहीं चाहिए। तो इसी के साथ ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। तो आप लोग भी खूब इंजॉय कीजिएगा आज के दिन को, और फलो फूलो खूब सारी मौज करो अपनी लाइफ में, और चैनल को करके जाइएगा सब्सक्राइब, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो वीडियो को करके जाइएगा लाइक, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो कीजिएगा शेयर। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।